Hi guys, welcome back to my channel. I am Chavi. तो आज मैं स्विस ब्यूटी की सेकंड प्रोडक्ट जो है वो उसका रिव्यू और डेमो दोनों करने वाली हूँ, जो कि है स्विस ब्यूटी का आईलाइनर, जिस पे लिखा हुआ है स्विस ब्यूटी प्रोफेशनल सुपर ब्लैक 18 आवर्स स्टे आईलाइनर पेन, ये वाला। ये प्रोडक्ट सारे ही प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स हैं गाइस, इस पे लिखा हुआ है प्रोफेशनल। जो मैंने पैलेट का भी रिव्यू किया था वो भी प्रोफेशनल पैलेट है, इसीलिए उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स ये जो पैलेट्स है इन्हें यूज कर रहे हैं, इसीलिए इनकी क्वालिटी बहुत 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 अच्छी है। आपने देख ही लिया होगा, कल भी मैंने जिस पैलेट का रिव्यू आपको दिया था आई शेडो पैलेट का, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है लिंक मैं आपको डेफिनेटली दे दूंगी, चेकआउट कर लीजिएगा। वो भी पैलेट बिल्कुल प्रोफेशनल है, उसका फॉल आउट बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ नहीं गिरता है, कहीं नहीं लगता है। एंड उसके बाद वीडियो बनाने के काफी देर तक मैंने उसे लगा के रखा एंड उसका जरा सा भी जो कलर था वो टच से मस नहीं हुआ, मुझे खुद ही उसे रिमूव करना पड़ा, वो बिल्कुल भी नहीं हटे, इतने अच्छे कलर्स थे वो गाइस। तो आज मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। जिस गिफ्ट के लिए मैंने आपको बोला था, मैंने गिव अवे के लिए बोला था, आपको अपना नाम जरूर लिखवाना है। बाद में मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं नाम नहीं लिखवा पा रहा हूँ या नाम नहीं लिखवा पा रही हूँ। तो अगर आप नाम नहीं लिखवा पा रहे हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे हैं और मैं आपको वो गिफ्ट दूँ? अगर आप मुझे सीधा इस तरह बताएंगे कि मैंने करवाया है तो मैं इस तरह आपको गिफ्ट नहीं दे पाऊंगी। एटलीस्ट आपको 20 सब्सक्राइबर्स करवाने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं आपको ये वाला गिफ्ट दे पाऊंगी, और कमेंट जरूर करवाना है तभी मैं दे पाऊंगी, वरना मुझे नहीं पता चलेगा कि किसने क्या करवाया है। तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट कीजिए उनसे, जिनसे भी आप करवा रहे हैं, कि आपका नाम जरूर लिखे ताकि मैं आपको वो वाला गिफ्ट जो है वो दे पाऊँ। वो पैलेट मेरे दिल के सचमुच बहुत करीब है। मैं हमेशा जब भी किसी को गिफ्ट देती हूँ ना, मैं बहुत दिल के करीब चीज जो है वो देती हूँ, या जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि गिफ्ट का मतलब यही होता है कि आप दिल से कुछ दे रहे हैं, तो दिल से चीजें वही दी जाती हैं जो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी लगती हैं, और वो पैलेट मेरे दिल के बहुत करीब है। एक्सपेंसिव भी है और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो आपको 20 सब्सक्राइबर एटलीस्ट करवाने हैं एंड एटलीस्ट आपको 30 कमेंट्स करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको ये गिफ्ट मिलेगा। आपको भी तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना कुछ लेने के लिए, कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपको खोना तो नहीं पड़ेगा लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 20 सब्सक्राइबर्स एंड 30 कमेंट्स, इसके बाद आपको वो गिफ्ट जो है वो मैं दे पाऊंगी। और प्लीज कमेंट जरूर करवाइए ताकि मुझे देने में मुश्किल बिल्कुल ना हो एंड झट से मुझे पता लग जाए कि मुझे अब इसको ये वाला गिफ्ट देना है। तो मैं बहुत डेस्परेट हूँ गिफ्ट देने के लिए, आपको भी उतना डेस्परेट होना पड़ेगा गिफ्ट को लेने के लिए। तो चलिए ज़्यादा समय में टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगी, मैं आज का रिव्यू स्टार्ट करती हूँ, जो कि है इसका। इसका थोड़ा सा झलक मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी थी अपनी हॉल वीडियो में, जिसका लिंक भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह का पेन है, इस पे लिखा हुआ है स्विस ब्यूटी PRO, मैं PRC पढ़ा था मैंने पहले, वो गलत था, ये PRO है प्रोफेशनल, मैंने इसे अच्छे से देखा तो इसका मतलब है प्रोफेशनल, यानी कि प्रोफेशनल यूज के लिए होते हैं ये। ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होता है, टफ से मस नहीं होता है, जहां आप इसको लगा देंगे एक बार ये हिलेगा भी नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको लगा देती हूँ, इस पे तो मैं स्मज नहीं कर पाऊंगी, इसको सूखने के बाद मैं इसको अच्छे से आपको रब करके दिखाऊंगी, तब तक मैं आपको इसको आइस के ऊपर लगा के दिखाऊंगी कि इसका लुक कैसे लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बोल्ड लगाऊंगी, इसकी शार्प टिप की वजह से आप अपना विंग लाइनर बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से विंग लाइनर लग गया इसकी टिप की वजह से, और ये इतना डार्क है, जेट ब्लैक कलर है इसका, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। आप देख सकते हैं लगाते ही आईज की पूरी लुक ही चेंज हो गई। एंड इसका थोड़ा सा तरीका मैं और बताऊंगी आपको, आपको यहाँ से इसे थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आना है इस तरह से, और फिर
तरफ भी मैं लगा लूंगी। ये पेन की फॉर्म में है इसीलिए इसको अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। जिस तरह से हम पेन चलाते हैं ये बिल्कुल उसी तरह इसको आपको चलाना होता है। तो ये देखिए इस तरह से ये दोनों साइड पर लग गया। थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे हो जाता है आप उसको बाद में क्लीन कर सकते हैं कॉटन के साथ। तो मैं क्लीन करने के बाद और अपना काजल लगाने के बाद मैं फिर से वापस आती हूँ। तो मैंने काजल और मस्कारा लगा लिया है और मैंने मस्कारा भी स्विस ब्यूटी का ही लगाया है। कल भी मैंने यही अप्लाई किया था और आज भी मैं यही अप्लाई कर रही हूँ। और मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि कल मैंने 8 बजे वीडियो बोला था लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। वीडियो को अपलोड करने में मुझे थोड़ी मुश्किल हो गई क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी थी और नेटवर्क स्लो था, बहुत रेंज कम हो गई थी एकदम से ही, तो वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हुआ। तो आज डेफिनेटली आपको 8 बजे से पहले ही ये वीडियो मिल जाएगी। इनफैक्ट अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:15 हुए हैं और 4 बजे से पहले पहले आपको ये वाला वीडियो जो है वो मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, ये बिल्कुल ब्लैक कलर है, टिप बनाने में कितना आसानी हो रही है। और ये वाला ये देखिए, और मैं बिल्कुल कोई सॉफ्ट हाथों से नहीं रगड़ रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ इसको, फिर भी ये स्मच नहीं हो रहा है। ये सिर्फ जब आप इसको अपने मेकअप रिमूवर से रिमूव करेंगे फिर ही ये निकलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। चलिए पहले लाइक कीजिए, तो और इसके बाद आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। एंड ऑल्सो मैं उन लोगों को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिसके थ्रू भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्लीज उसका नाम जरूर लिखिए ताकि मैं उन्हें वो वाला गिफ्ट जो है वो दे पाऊँ। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, कल मिलते हैं। तो तब तक के लिए स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय।